Night routine. I'm not going to start directly from bed. I'm starting from dinner time. So now we're all going to have dinner together. Aaj uttapam hai dinner mein. Okay, now it's time to just sit and talk together. We used to not spend this time before, but actively we are making this a habit dheere dheere. Also want to establish one more thing that we're not a family who believes that women should have dinner later on. Mummy ne actually dinner sabse pehle kar liya tha shaam ko 7:30 baje, so that's why she didn't eat with us and was serving us hot food. आज का फैमिली टाइम तो काम में चले गया बिकॉज वी आर ऑल वेरी इन्वॉल्व इन ईच अदर्स वर्क एंड आई स्टिल हैव सम मोर थिंग्स टू डू अलोन बस वो फिनिश करके देन वी गो टू बस तो व्हेन फाइनली आई डिसाइडेड कि अभी और काम नहीं करना अभी सोने जाना है आई कम टू फिक्स माय बेड. यूजुअली लोग ये सुबह सुबह करते हैं बट मेरा पूरे दिन में बेड इतना मैसअप हो जाता है कि रात को सोने के पहले ये सब हटाने पड़ता है बेड से. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I'm about to jump on this bed for the first time, okay? 1, 2, 3. Oh, it feels so good. I have to tell you about like why I bought this mattress. So this one is from Sleepy Cat. It is made in India, which is why I preferred it. This does come with a 30 night free trial, which is why I'm comfortable using it because abhi touch and feel karne bahar to nahi ja sakte. It's also on a 0% EMI option. I bought this particular one because it comes with a gel based memory foam. So even if I sit here and then I get up, तो यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है जैसे काफी mattresses. This is a netted cover for like breathability. It makes sure there's a good airflow. This also comes with a zipper cover. As you can see, it is easily removable. Like you can just take it off like that, and you can take off the stains from this. For me, that was very important because I am so clumsy. मैं ना अभी लिख के दे सकती हूँ कि in 2-3 weeks एक बार तो मैं बेड गंदा कर ही दूँगी because I eat a lot on my bed. One thing that I was quite thoughtful about कि इतना बड़ा मैट्रेस आई वॉन्टेड अ किंग साइज मैट्रेस बिकॉज आई हैव नेवर ओन्ड सच अ बिग बेड. आई वाज थिंकिंग कि लॉकडाउन में इतना बड़ा चीज कैसे आएगा. आई विल शो यू द होल किंग साइज मैट्रेस केम इन इतना छोटू सा बॉक्स. आई वॉज ब्लोन अवे बिकॉज अनपैकिंग इट वॉज वेरी इजी. यू ऑलरेडी सो आई वुड से अ वेल स्लेप्ट मी इज अ मोर प्रोडक्टिव मी एंड अ मोर हैप्पी मी बिकॉज इफ आई रेस्ट वेल तो मेरा बाकी का दिन बहुत बहुत अच्छा जाता है. लाइक आई गेट 3 days ऑफ वर्क डन इन 1 day. आफ्टर आई लव द मैट्रेस आई रीच्ड आउट टू देम एंड आस्क्ड इफ दे वुड लाइक टू पार्टनर अप फॉर दिस वीडियो एंड दे वर सो काइंड टू से यस. दे हैव गिवन मी अ स्पेशल कूपन कोड ऑल्सो व्हिच इज हेली15. सो इफ यू वांट टू बाय यू कैन डेफिनेटली यूज दिस कूपन कोड एंड गेट योरसेल्फ एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड ऑल द लिंक्स फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द मैट्रेस एंड मोर ऑप्शंस लाइक दे हैव बेड स्टैंड्स एंड दे हैव अदर साइजेस एंड डिफरेंट इंचेस. ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नाउ इट्स टाइम टू प्ले गेम्स विद द मदर. तो यूजुअली हम एक गेम खेलते रहते सीक्वेंस. द गेम यू कीप आस्किंग अबाउट अ सीक्वेंस वो जिसपे हम कॉइन्स वगैरह रखते हैं बट आज हम चेंज करेंगे. आज हम खेलेंगे डबल और एक नया गेम जो मैं मम्मी के बर्थडे के लिए लाई थी.
मुझे भी लगा था देख के बहुत इजी रहेगा, बट इतना इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम कब से इनके ट्राई कर रहे हैं, फिर भी हमारे 3 पीसेस बच गए। बस ये टाइम पे यूजुअली हम फ्लाइंग पीस देखने बैठते हैं, बट अभी तक उन्होंने अपलोड तो किया है नहीं। और फिर अगले दिन हमारा झगड़ा होता है सुबह, क्योंकि फिर मम्मी सुबह सुबह मेरे बिना देख लेती है। बस अभी हम मूव करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स के टुवर्ड्स, व्हिच इज स्टीमिंग एंड गार्गलिंग। सो इफ मल्टीपल पीपल आर गोइंग टू बी टेकिंग स्टीम, प्लीज पानी चेंज करें और कैप धोए। गार्गलिंग का पानी भी उबल जी, इतना गर्म ज़्यादा मिक्स करना चाहिए। आई डोंट यूज इट एवरी डे, वंस इन 2 वीक्स तो मैं कर लेती हूँ। डॉक्टर से पूछ लेना यूज करने के पहले, बट पर्सनली मुझे इसका असर दिखता है, लाइक आई डू फील बेटर इन माई थ्रोट। अब हम करेंगे स्किन केयर। यूजुअली जब मैं मेकअप लगाती हूँ आई फॉलो द होल रूटीन, बट आज नहीं लगाया। सो हम जस्ट गोना डू नॉर्मल फेस वॉश और मॉइस्चराइजिंग, बिकॉज इफ आई डोंट डू इट ना यार, मेरे स्किन में ना मेरे को दिखता है डिफरेंस। सो आई एम गोना डू इट। बार बार बाहर आ रही है। Gentle cleansing only, because I just have to take out the dead skin cells and dirt basically. I love this one, Dermabeam. India. I'll then use a toner. This one is Rice Ceramide by Bishop. Rice range, kafi pasand hai. And 30 seconds wait karne ke baad, I'll go in with a gentle moisturizer. This one is Nutrilum Vitamin E. I rave about this one always. I do get asked quite a lot about my skincare, and one advice I would give is start early. Do a proper skincare every night just to make sure ki skin problems ho na aage jaake. Ek baar skin kharab ho jata hai na, then it's very difficult to come back from it. I just make sure I use good skincare, and please take the time to find out what skincare suits you. Like I keep trying a lot and keep recommending you. My skin is normal to oily skin. The 3 things that I showed you today worked really well for me: the face wash, the toner, and the moisturizer. Vitamin E in general does suit almost all skin types. Give these a shot if you want. Iska result immediately nahi, but kal subah bahut dikhta hai. Like your skin is a different texture when you've done a proper skincare and then you wake up the next day. But then we can finally just lie down for meditation. Pehle I was like very strict ke baith ke hi karna hai, waise hi karna hai. So kabhi kabhi I used to feel like sleeping it. But now I do shavasana sometimes. Bas aise let ke and just like let the thoughts flow. That's what we usually do. And journaling mein bhi mera strict rule tha ki notebook aur pen se hi likhna hai, roz likhna hai to. But now I just type it out on my phone. If I ever feel like writing something or noting something down, and if I don't feel like going and getting up to get the book. Done. And the last thing that I do before I sleep is I watch TV. I watch TV and it's a very very bad habit. I do want to change the order of my night routine. Ke pehle TV dekh lo, फिर मेडिटेट करो, फिर जर्नल करके सो जाओ, बट इट्स डिफिकल्ट। आई डू फाइंड इट डिफिकल्ट। तो मैं टीवी देखते देखते ऐसे सो जाती हूँ ना, वो मुझे ईजी पड़ता है। ऑल्सो वॉन्टेड टू शो यू द व्यू, इट्स इसलिए आई लीव द कर्टन्स ओपन समटाइम्स, बहुत अच्छा लगता है। But this is my current night routine. I'm just gonna go to bed. If you enjoyed watching this video, give it a thumbs up and subscribe to the channel to stay connected. If you didn't enjoy this video, bindaas give it a thumbs down, but just give me your honest opinion. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye and good night.